वैल्यू चेन, ये सिद्धांत हमें दिया है माइकल पॉटर साहब ने, तो ये नाम याद रखना, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें दो प्रकार की चीज होती है, एक को कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी ए, दूसरी को कहते हैं सपोर्टिंग एक्टिविटी बी। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब मुख्य एक्टिविटी, ये पांच प्रकार की हैं। पहले का नाम है इनबाउंड लॉजिस्टिक, मतलब ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री से रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन हाउस तक लाना। इनबाउंड लॉजिस्टिक में रॉ मटेरियल आता है, क्या आता है? रॉ मटेरियल आता है, तो ये उसकी मटेरियल हैंडलिंग से शामिल है, ठीक है। सेकेंड है ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, यहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन होगा, मशीनों पे काम होगा, ठीक है, तो यहां मशीन पे मैन पावर लगेगी और रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करेगी। तीसरा है आउटबाउंड लॉजिस्टिक, यहां पे फिनिश प्रोडक्ट जो हमारा अवेलेबल है उसको हम लेके जाएंगे डेस्टिनेशन तक, तो यहां फिनिश प्रोडक्ट के साथ में डील होती है, ठीक है। चौथा है मार्केटिंग एंड सेल्स, मतलब माल को आप कैसे बेचेंगे, माल को आप कैसे बेचेंगे, कैसे लोगों तक ले जाएंगे, उसकी जानकारी आप उपलब्ध कराएंगे, मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है। हाउ टू रीच टू द कस्टमर, हम कस्टमर तक कैसे पहुंचे, वो तरीका हमें मार्केटिंग एंड सेल्स देता है। और पांचवा होता है सर्विस, जो कि आता है आफ्टर सेल्स, ये सेल्स के बाद काम आता है, जहां प्रोडक्ट में होने वाली दिक्कतें, कमियां, टूट फूट, मरम्मत, उनको डील किया जाता है। तो पांच हमारी एक्टिविटी है प्राइमरी में, माइकल पॉटर साहब द्वारा सजेस्ट की हुई वैल्यू चेन एनालिसिस की प्राइमरी एक्टिविटी। पहला क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक, मतलब रॉ मटेरियल का फैक्ट्री तक प्रोडक्शन तक लेके आना, इसमें रॉ मटेरियल की डीलिंग होती है। दूसरा है ऑपरेशन, मशीनें जहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन किया जाता है, मैन पावर लगेगी और आपका एक जॉब चार्ट बना हुआ होगा, बिल ऑफ मटेरियल होगा जिसके आधार पर प्रोडक्शन किया जाएगा। तीसरा है आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मतलब फिनिश प्रोडक्ट जो कि बन चुका है, अब कस्टमर तक आगे ले जाना है, वेयर हाउसिंग होनी है इसकी। चौथा है मार्केटिंग एंड सेल्स, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जानकारी कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, कौन से चैनल के माध्यम से पहुंचाना है, एंड सो ऑन। और पांचवी होती है सर्विस, मतलब सेल के बाद में प्रोडक्ट की कोई कमी है, खामी है, उसमें कोई रिपेयर मेंटेनेंस है, तो वो हम लोगों को प्रोवाइड करें, जिसके लिए आपको मालूम हो आजकल कंपनी एक टोल फ्री नंबर रखती है, 1800-00018 नंबर डायल करो और इमीडिएटली आपके घर पे उस कंपनी के सेल्स मैन, सॉरी, सर्विस रिपेयर करने वाले लोग पहुंचेंगे, जो कि सेल्स के बाद आपको सुविधा दी जाएगी। अब बात आती है इसके साथ चार सपोर्टिंग एक्टिविटीज भी होती हैं। पहला है प्रोक्योरमेंट, आपने रॉ मटेरियल तो यहां से ले लिया, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, मैन पावर चाहिए होती है, आपको फाइनेंस चाहिए होता है, तो उनको प्रोक्योर करने के कौन से तौर तरीके आप अपनाएंगे, ये हम प्रोक्योरमेंट में देखते हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आप कौन सी तकनीक का उपयोग करेंगे, ऑटोमेटेड प्लांट बनाएंगे, सेमी ऑटोमेटिक प्लांट बनाएंगे, जिनके माध्यम से आप प्रोडक्शन करेंगे। टेक्नोलॉजी आपको कॉम्पिटिशन में आगे भी ले जा सकती है, और अगर आपने टेक्नोलॉजी का चुनाव सही नहीं किया तो आपके प्रोडक्ट को बिगाड़ देगी, आपकी मार्केट में इमेज खराब कर देगी, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्सेस, आज के तारीख में वो कंपनी कंपटीशन में आगे बढ़ जाती है जिसके पास कमिटेड, लॉयल और एक्सपीरियंस वर्कफोर्स होती है। अगर मैंने किसी व्यक्ति को रिक्रूट किया है और वो कंपनी के प्रति वफादार है, कई सालों से मेरे साथ काम कर रहा है, उसको मेरे काम करने के तरीके के बारे में पता है, मेरी वेस्टेज और मेरे बेनिफिट्स के बारे में पता है, और वो मेरे तरीके से ढल चुका है और मुझे छोड़ के नहीं जाता किसी भी लालच में, तो आज मैं किसी भी कॉम्पिटिटर को पछाड़ दूंगा बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन रिसोर्सेज और मैन पावर। तो आज की तारीख में ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने पास अपने रिसोर्सेज को, मैन पावर को बनाए रखे। अगर हम अपने मैन पावर को लगातार अपने पास सेटिस्फाइड तरीके से बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप सोचो कितने बड़े फायदे हैं। पहले हमारा सीखा हुआ आदमी किसी और को सीखा सिखाया हुआ नहीं मिलता है, उसको मार्केट में अपने आदमी डेवलप करने पड़ते हैं, उसमें उसकी कॉस्ट लगती है। दूसरी बात, हमारा सीखा सिखाया हुआ अगर चला जाएगा तो हमारी कुछ इनसाइड ट्रेड सीक्रेट भी ले जाएगा जो उसको बताएगा। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान भर में जितनी भी प्राइवेट एयरलाइंस एयर इंडिया के बाद आई, हमारी ऑफिशियल एयरलाइंस तो एयर इंडिया ही थी, अब तो वो टाटा को बेची जा चुकी है, तो सारे के सारे एक्सपीरियंस पायलट जो कि 10-10, 20-20 हज़ार घंटों की उड़ान कर चुके थे, वो नौकरियां छोड़ छोड़ के प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो में, है ना, किंग फिशर में, जेट एयरवेज में, यहां काम करते थे, सहारा में काम किया करते थे। पर्पस क्या था,
कि भाई सीखे सिखाए हुए व्यक्ति को लेंगे तो गलतियों की संभावना कम हो जाएगी। जो उन्होंने एयर इंडिया में गलतियां की है उसका भुगतान एयर इंडिया को भुगतना पड़ा है, लोगों को भुगतना पड़ा है, जान माल का नुकसान हुआ है कई जगह, ट्रॉमा झेला है, लेकिन वो अब जब सीखे सिखाए हुए किसी और जगह जाते हैं तो उन्हें ये ट्रॉमा झेलना नहीं पड़ता, उन्हें नुकसान नहीं होता है। तो किसी का मैन पावर जो सीखा सिखाया उसका लेने के दो एडवांटेज है, एक इमीडिएटली काम शुरू किया जा सकता है, दूसरा वहां जो काम करने का वर्क कल्चर था उसके अगर कोई बेनिफिट है तो हम इमीडिएटली अपना के उसके बराबर हो सकते हैं। तो लगातार मैन पावर को अपने पास बनाए रखना, कमिटमेंट उनका, लॉयल्टी उनकी, वर्क एथिक्स उनके, काम करने का तरीका उनका, ये आपको एडवांटेज दे सकता है। इसलिए सपोर्टिंग एक्टिविटी में ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चौथा आता है फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी बिल्डिंग की बनावट, आपके वहाँ पे लोगों के काम करने का वर्किंग एनवायरनमेंट, ये अगर बहुत अच्छा है तो लगातार ऑफिस में बैठ के, फैक्ट्री में बैठ के लोगों के काम करने की इच्छा होगी। लेकिन अगर आपके यहाँ का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, चीज़ों की बनावट ठीक नहीं है, फैक्ट्री का एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर ठीक नहीं है, तो आदमी जल्दी से जैसे तैसे काम खत्म करके अपने घर जाना चाहेगा। ऐसी स्थिति में न तो आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी और न ही आप कोई अच्छा प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में दे पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया रखें। मैं देखता हूँ आजकल जितनी भी नई स्टार्टअप कंपनीज आती हैं वो अपने वर्क एनवायरमेंट और कल्चर को बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत अच्छा रखती हैं, लोगों को काम करने के लिए एक सूथिंग एनवायरमेंट देती हैं कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक ओपन एनवायरमेंट मिलेगा काम करने का, जहाँ कोई रोक टोक नहीं है, खाने पीने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे। अगर आप वहीं रह के काम करना चाहते हो तो हम वहीं डॉर्मेट्री की सुविधा उपलब्ध करा देंगे, जहाँ रात को जाके आप थोड़ी देर सो जाओ, सुबह उठो, शावर भी आप ले सकते हो, चाय कॉफ़ी की सुविधा होगी, फ्रेश होने के लिए बकायदे टॉयलेट्स वगैरह बने होंगे और बिल्कुल साफ़ सुथरे घर जैसे रहने लायक हो जाएंगे। अंदर पेंट्री होगी जहाँ सुबह का नाश्ता जैसे आप घर पर खाते हो उस स्टाइल में आपको मिल जाएगा, वेराइटी आपको मिल जाएगी जो आपको घर पर नहीं मिल सकती। ऐसा वर्क कल्चर कंपनियाँ इसलिए बनाती हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में बने रहें, और जब वो बने रहेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कोहेसिवनेस बढ़ेगी, आपसी संवाद बढ़ेगा, मार्केट में हम दूसरी कंपनी के मुकाबले अच्छे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि लोग लगातार कंपनी में बने हुए हैं, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो ये चार एक्टिविटी हैं जो सपोर्ट में आती हैं। ध्यान से इस चित्र को देख लो और याद भी कर लो क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पुराने कोर्स में कई बार पूछा हुआ है, फिर से देख ले मैं बता रहा हूँ, और फिर मैं 2 मिनट का पॉज लूंगा, आप इस चित्र को दिमाग में बिठा लेना। हम डिस्कस कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैल्यू चेन एनालिसिस गिवन बाय माइकल पॉटर, बत्रा सर के भी गुरुजी, गुरुजी के गुरुजी मतलब महागुरु। इस पे एमसीक्यू भी आ सकता है, बड़ा सवाल भी आ सकता है। प्राइमरी एक्टिविटी 5 प्रकार की होती है, इनबाउंड लॉजिस्टिक जो रॉ मटेरियल की हैंडलिंग से संबंधित है, ऑपरेशन जो मशीनों के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक जो फिनिश प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मार्केटिंग एंड सेल्स जो कि कैसे कस्टमर तक अपनी बात पहुंचाई जाए उससे संबंधित है, और सर्विस आफ्टर सेल सर्विस से संबंधित है। उसके बाद सपोर्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास प्रोक्योरमेंट होता है कि मैन पावर, फाइनेंस, बाकी सब चीज़ें कैसे अरेंज की जाए और सस्ते में अरेंज की जाए। दूसरा है टेक्नोलॉजी, किस तरीके से हम मशीनों को काम में लेंगे, मशीनें लाएंगे या टेक्नोलॉजी लाएंगे जो हमारे ऑटोमेटिक प्लांट में मिनिमम मैन पावर के द्वारा काम कर पाएगी, प्रोडक्शन बढ़ा पाएगी, पर यूनिट कॉस्ट को कम कर पाएगी। ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे पास में ऐसा टैलेंटेड पूल होना चाहिए काम करने वाले लोगों का जो लॉयल हो, कमिटेड हो और लंबे समय तक हमारे साथ काम कर रहे हो। और चौथा, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वहाँ रह के लोगों को काम करने की इच्छा हो, लंबे समय तक जब बने रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे। इन 9 प्रकार के एक्टिविटीज के माध्यम से हम मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले बेटर साबित हो सकते हैं अगर हम एक या एक से अधिक इन 9 एक्टिविटीज के बीच में कोई सामंजस्य बिठा सकें, अगर इनके बीच में हम कोई लिंकेजेस डेवलप कर लें, चाहे वो प्राइमरी की 5 एक्टिविटी के बीच हो, चाहे सपोर्टिंग की 4 एक्टिविटी के बीच में हो, चाहे प्राइमरी से सपोर्टिंग की किसी एक्टिविटी के बीच में हो, चाहे सपोर्टिंग से प्राइमरी की एक्टिविटी के बीच में हो, अगर हम कोई लिंकेज डेवलप कर सके तो हमारे लिए ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लंबे समय तक बने रहने वाली, लॉन्ग लास्टिंग होने जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक दूसरों के मुकाबले कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में माल ला के देता है, और आपके प्रोडक्शन ऑपरेशन जो सेकंड प्राइमरी एक्टिविटी है वो बिना वेस्टेज के या मिनिमम वेस्टेज के माल बना लेते हैं दूसरों के मुकाबले, तो इन दोनों के बीच में जो ये कोऑर्डिनेशन है इसके कारण मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर के मुकाबले आपका प्रोडक्ट भी सस्ता होगा, वेस्टेज भी कम होगी और आप मार्केट में धूम मचा देंगे। हो गई ना, दो चीजों के बीच का आपसी रिलेशनशिप या लिंकेज आपको दिला रहा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसी तरीके से दो सपोर्टिंग एक्टिविटी की बात कर ले,
अगर मेरा प्रोक्योरमेंट का तरीका सस्ता है, मैं मार्केट के मुकाबले कम कॉस्ट पे फाइनेंस लाता हूँ, दूसरे मेरे से ज़्यादा कॉस्ट पे फाइनेंस लेके आते हैं, तो मैं तो यहीं जीत गया उनसे। उनकी ओवरऑल कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी प्रोडक्शन की, मेरी उनसे कम हो जाएगी क्योंकि मैं सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस पे काम कर रहा हूँ। दूसरी बात, उनका मैन पावर छोड़ छोड़ के चला जाता है, मेरा मैन पावर लगातार मेरे पास बना रहता है। तो आपने प्रोक्योरमेंट और ह्यूमन रिसोर्स के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप किया, आपकी हो गई कोर कॉम्पिटेंस, आपकी हो गई कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, आप मार्केट में हो गए उनसे आगे, बाकी रह गए आपसे पीछे। इस तरीके के लिंकेजेस को जब हम बनाते हैं तो फिर मार्केट में आपके टिके रहने की संभावना बढ़ जाती है, मार्केट में आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की धूम मच जाती है। तो ध्यान से इस चित्र को देखें और याद करने की कोशिश करें, क्योंकि इस पर एग्जाम में सवाल आ सकता है, इस नए कोर्स में भी पुराने की तरह।